हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और आप देख सकते हो सुबह सुबह का सीन। और अभी मैं बनाई हूँ चाय, तो पहले मैं चाय पीऊँगी। अभी सुबह एक बार मैं इनके साथ चाय पीती हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता, पर थोड़ी देर मैं इनके साथ चाय पीती हूँ। उसके बाद सेकेंड बार जब ये ऑफिस चले जाते हैं तब मैं चाय भी पीती हूँ। आज मैं कुंदरू जा रही हूँ बनाने। कुंदरू इस बार की ना जो मैं लाई हूँ ना, बहुत छोटे छोटे हैं, आप देख सकते हो, बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं रात में एक्चुअली काटना भूल गई थी, तो अभी सुबह मैं बस यहाँ बैठ के चाय पीते हुए मैं इसको काटूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसे काट लिया है। इसको क्योंकि ये छोटे छोटे थे ना, तो मैंने बस इसको हाफ हाफ पार्ट में ही काटा है, इससे ही हो जाएगा। तो आज मैं इसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये देखिए, कल मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से मैं कुछ प्लांट्स खरीद के लेके आई हूँ। और मेरे हस्बैंड को एक्चुअली ये फ्लावर वाला प्लांट जो है वो ज़्यादा पसंद आती है, तो इसीलिए मैं मैक्सिमम प्लांट जो है वो फ्लावर का ही लेके आई हूँ। ये है, आप देख सकते हो, हिबिस्कस का। इसमें एक कली थोड़ी सी, कल बंद थी, कल ही लेके आई थी, कल बंद थी, आज थोड़ी सी ये खिल गई है। और ये एक रोज का है, और बाकी ये तीन आप देख सकते हो, मैंने ऐसे करके स्टैंड कुछ कुछ लगा दिए हैं उसमें, तो उसी में मैं करके गमले में लगा के फिर मैं उसमें रखूँगी। तो ये तीन ये फ्लावर लेके आए हैं। और ये जो है, ये मेरी छोटी सिस्टर मुझे दी थी। तो अभी ज़्यादा मैं प्लांट नहीं ली हूँ, अभी मैं कुछ ही प्लांट ली हूँ, अभी धीरे धीरे करके मैं लगाऊँगी। तो अभी गमले भी साथ में लेके आई हूँ, तो चलिए मैं इसको लगाती हूँ अभी। ये देखिए, मेरा बालकनी जो है अब बिल्कुल तैयार हो गया है, मतलब 100% नहीं, पर हाँ, मैं थोड़ा सा कोशिश की हूँ प्लांट फ्रंट लगा के थोड़ा डेकोरेशन करने की। और भी प्लांट लगाऊंगी मैं, क्योंकि ये मेरे लिए तो इनफ नहीं है, थोड़ा और इसमें लग सकता है। तो अभी फ़िलहाल तो बहुत प्यारा लग रहा है। बेटी का बेड, एक्चुअली ये बेड मैंने बनवाया था, तो आज मैं इसके कमरे का मेकओवर करने जा रही हूँ। और आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे BTS के टॉयज है। इसे एक्चुअली BTS बहुत पसंद है, तो ये कुछ उसकी फ्रेंड्स कुछ गिफ्ट दी थी, तो वो ऐसे ही बेड पे वो उसने सजा दिया है। और उसने बोला कि इसे नहीं हटाने के लिए, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, इसके ऊपर बस छोटा सा स्पेस भी है, तो इसके ऊपर सही भी लग रहा था, तो बस इसको बस मैंने साफ़ करके और यूं ही बस लगा दिया है। और चलिए, तो आज का जो है मैं इसका मेकओवर मैं शुरू करती हूँ। और प्लीज़ देख के बताइएगा कि ये मेकओवर आपको कैसा लगा। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब। सिस्टी का जो है बेडरूम मेकओवर कर दिया है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेकओवर नहीं हुई है, वो मैं सेकंड ब्लॉग डाउंगी तो मैं उसमें दिखाऊंगी। तो चलिए, अभी जो मैंने किया है मेकओवर वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ से जो है इसका एंट्री वे है, और सामने ही इस तरफ बेड है, आप देख सकते हो। और सिस्टी को क्या है कि उसको BTS का बहुत शौक है, तो आप देख सकते हो उसकी फ्रेंड सब जो है ये गिफ्ट की है। ये मग जो है उसकी एक आंटी है, मेरी फ्रेंड है, वो उसको गिफ्ट की है। और ये छोटे छोटे आप देख सकते हो BTS के, तो वो इसकी मेरी बेटी की फ्रेंड्स जो है वो गिफ्ट की है, और ये मैंने उसे गिफ्ट किया था। तो
तो इस तरह वो देखे, वो बोले कि मेरा BTS सही रहेगा। और भी कुछ कुछ पोस्टर है उसके पास BTS के, बट वो भी मुझे नहीं लगाने दी है। और ये देखिए, इसके ठीक ऊपर मैंने ये फैमिली का रूल्स जो है वो मैंने लगाया, ये मुझे बहुत पसंद थी, ये मैंने दुबई से ही लिया था। और इसके ठीक नीचे जो है ये बेड साइड टेबल मैंने डाला है, आप देख सकते हो, ये मैंने बड़ा सा एक फ्लावर वास डाला है और नीचे कैंडल्स मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। थोड़ा अरोमा वाली जो कैंडल्स होती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे को पढ़ने में थोड़ा सा मतलब मन लगता है इससे। और इसके बगल में एक छोटा सा एक टेबल है जो मेरे पास जो हॉल में रखा हुआ था वो मैंने यहाँ ला के रख दी है। और इस पर एक मैंने लैम्प रख दिया है, आप देख सकते हो, ये एक लैम्प मैंने इस पर रख दिया है। और इसके बगल में, जस्ट बगल में जो है वह स्टडी टेबल है, ये मैंने पेपर फ्राई से मंगवाया है। और आप देख सकते हो इस पे मैंने बुर्ज खलीफा का स्टैचू, इसके नाम का स्पेलिंग और ये छोटे छोटे चीज़ें जो है ये सब से मैंने सजाया है। बुर्ज खलीफा मैंने इसलिए रखा है कि मैंने अपने फ्रेंड से सुना था कि आप बच्चे के स्टडी टेबल पे अगर जितना भी टॉल या मतलब जो जितने ऊँचे वाले जो स्टैचू होते हैं ना बिल्डिंग्स के, वो रखने चाहिए, उससे उसका स्टडी में थोड़ा सा ग्रोथ होता है। पर मैं इस चीज़ को मानती नहीं, पर फिर भी मैंने डेकोरेशन के लिए ले लिया था, तो ये मैंने इस पे रख दिया है। और ये है इसका टेबल लैम्प, इस पे इसका हेडफोन भी मैंने डाल दिया है। और ये आप देख सकते हो, इसके अंदर जो है छोटे छोटे सेल्फ जो है जिसमें उसने बुक्स वगैरह रखे हैं, बड़े बुक्स उसने बाहर की ओर रखे हैं। तो ये रहा इसका पूरा लुक स्टडी टेबल का। और जस्ट इसके बगल में आप देख सकते हो ये सोफ़ा का जो स्टूल मैंने बनवाया था, तो ये मैंने एक यहाँ पे रख दिया है। और उसके ठीक बेड के नीचे मैंने एक इसके जो बड़े बड़े सॉफ्ट टॉयज थे वो मैंने रख दिए हैं, क्योंकि बेड के ऊपर पूरा सॉफ्ट टॉयज जो है वो भर जा रहा था, तो इसीलिए मैंने नीचे रख दिए हैं। इसे लेके वो सोती है, तो जब भी वो उसे सोना होता है तो बस इसे ये ऊपर रख लेती है। और इस तरह कर्टन है। और इस साइड मैंने एक दूसरा मेरे पास था टेबल, तो वो रखा है, उसके नीचे ठीक प्रिंटर रखा, प्रिंटर रखने का मुझे जगह नहीं था तो मैंने यहीं पे प्रिंटर रख दिया है। और इस ठीक इसके ऊपर जो है मैंने एक लैम्प और छोटा सा प्लांट मैंने रखा है, आर्टिफिशियल प्लांट है। तो ये रहा इसका पूरा घर का लुक, इसके कमरे का, तो मैं एक बार पूरा दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो ये है इसका पूरा लुक। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. और ये देखे मेरे प्लांट का क्या हाल कर दिया इन कबूतरों ने, इसमें बहुत सारे कलियां थी। अरुण का प्लांट मैंने लगाया हुआ था और इसमें बहुत सारी कलियां थी और एक भी कली नहीं रहने दी है, सारे के सारे कली को कबूतरों ने मिलके सारा खा लिया है। जबकि इसमें है, इसमें भी एक दो तोड़ने की पूरा कोशिश की है, पर इसमें फिर भी है और गुलाब का फिर भी है, लेकिन ये अरुण का जो है प्लांट उसका एक भी कली नहीं रहने दिया है, सारे के सारे वो खा लिया है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं अब यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।